आईपीएल में स्टेडियम के पास खड़ी हुई गाड़ी तो देख ही ली होगी आपने, टाटा की ईवी गाड़ी खड़ी हुई है। पूरी दुनिया आईपीएल देखती है, खाली भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में टाटा ये संदेश पहुंचा देना चाहता है कि आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है। आप चाहे थोड़ी आराम से समझो, थोड़े साल लगा के समझो, पर ये जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ये पहले ही फ्यूचर को समझ लेती है कि आने वाला फ्यूचर कौन से सेक्टर के अंदर है। आने वाला फ्यूचर तो ईवी सोलर एआई का है, आप ये मानो या ना मानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस ये पड़ता है कि आपने इस सेक्टर में पैसा कमाया, इस रेवोल्यूशन में पैसा कमाया या नहीं कमाया। जिन लोगों को भ्रम है कि टाटा मोटर का शेयर नीचे आ जाएगा, जाके एनएसई की टॉप गेनर की लिस्ट चेक कर लेना। टाटा मोटर और टाटा मोटर डीवीआर दोनों सर्किट के ऊपर है, ईवी में टाटा मोटर और सोलर में टाटा पावर और कई सारी ऐसी कंपनीज ईवी और सोलर और एआई से रिलेटेड जो धमाका मचाने वाली है आने वाले फ्यूचर में। बादशाह ब्रोकिंग का डैशबोर्ड लॉगिन कर लो, डैशबोर्ड पर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग का भी समझ आ जाएगा कि ईवी सोलर और एआई के अंदर कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने को लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख लेने चाहिए, और स्पेशली प्री आईपीओ सेक्टर में। प्री आईपीओ सेक्टर के अंदर वो ताकत है जो भैया पत्थर को भी सोना बना सकता है, बस सही समय के ऊपर करीबी इन्वेस्टमेंट है। और आज मौका है ईवी सोलर और एआई का, जो करेगा वो तो कमाएगा और जो नहीं करेगा वो बेचारा रोज सोचेगा कि मैंने पैसे क्यों नहीं लगाए इसमें। लगा लो, कर लो ज्वाइन।